मैं भिंड से आई हुई हूँ। मेरे पापा ने भिंड जिले में पहले ही बार संगठन सचिव थे और उन्होंने ही संगठन प्रारंभ किया था। और जब वो ये लड़ाई लड़ रहे थे EPS 95 पेंशन की, अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और जिस दिन उन्होंने अपना शरीर त्यागा उस दिन वो मीटिंग चल रही थी हमारे यहाँ भिंड में, और सभी हमारे मामा चाचा ताऊ इस मीटिंग में लगे हुए थे, किसी को कोई जानकारी नहीं थी। ये लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, हम लोगों को नहीं पता, लेकिन हम दोनों बहनें हम अपने मामा मामी चाचा ताऊ सबके साथ हैं और पूरी जी जान से हैं। जैसे मेरे हमारे पापा ने लड़ाई लड़ी है उससे कहीं ज़्यादा कोशिश करेंगे, और मैं तब तक शादी नहीं करूँगी जब तक हम सबको न्याय नहीं मिल जाता। क्या बोले? क्या हमारे मुद्दे यही है कि हमें 7,500 रुपए प्लस TA महंगाई भत्ता, और हमारे मामा मामी हमारे जो भी चाचा ताऊ हैं उनको दवाई का खर्चा अस्पताल का फ्री उनको खर्चा मिले, और उनके जो भी डिमांड्स हैं जो भी पेंशन्स काम हैं उनको वो पूरी मिले, क्योंकि 1,000-2,000 में सिर्फ एक महीने का खर्चा भी ढंग से नहीं चल पाता है। कब से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? 3 साल हो चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर अभी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो आगे क्या एक्शन होगा? हमारा एक्शन ये होगा कि हमसे बड़े हमारे राज सर जी, बीरन सर जी और पाटिल सर जी जो भी बोलेंगे हम लोग करने को तैयार हैं। वो